सिम्टम्स डायग्नोस्टिक वैल्युएशंस मैनेजमेंट एज वेल एज कुछ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन हाइड्रोसैफिलिस इज द अब नॉर्मल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंट्रोक्रेनियल प्रेशर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन में फोर वेंट्रिकल्स होते हैं इन चारों वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जो कि सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है और उसकी सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब सी एस एफ एक बॉडी फ्लूइड है जो कि क्लियर कलरलेस और वॉटरी होता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड फ्लो करता है सी एस एफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है नरिश करता है और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है जब सी एस एफ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है मतलब नॉर्मल से ज्यादा सी एस एफ बनने लगता है एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होने लगता है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है उसे हम हाइड्रोसेफलिस बोलते हैं मतलब हाइड्रोसेफलिस में सी एस एफ की अब नॉर्मल हो जाती है द एक्स्ट्रा फ्लूड पुट्स प्रेशर ऑन द ब्रेन एंड कैन कॉज ब्रेन डेमेज इट इज मोस्ट कॉमन इन इन फैंट एंड ओल्डर एडल्टो सी एस एफ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ था उसने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जो कि ब्रेन डैमेज को भी कॉज कर सकता है इन फैंस में और ओल्डर एडल्ट में हाइड्रोसेफलिस कॉमनली प्रेजेंट होता है इट टक्स ड्यू टू द इमेलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्ब सी एस एफ और ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सी एस एफ पाथवेज अगर सी एस एफ की प्रोडक्शन और एब्जॉर्बन के बीच में इम्बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोसेफलिस हो सकता है या फिर सी एस एफ जिस रूट से फ्लो करता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो भी हाइड्रोसेफलिस हो सकता है नेक्स्ट इज इटियोलॉजी हाइड्रोसेफलिस कंजेनिटल भी हो सकता है एक्वायर्ड भी हो सकता है मैंने दोनों के अलग अलग कॉजेज दिए हैं पहले हम कंजेनिटल कॉजेज पढ़ेंगे चार इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शंस बर्थ के पहले जब बेबी मदर के वोम में होता है उस टाइम कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे इंट्रा यूटराइन इन्फेक्शन बोलते हैं और उस टाइम में रुबैला और टॉक्सोप्लास्मोसिस के कॉन्टेक्ट में आने से बेबी को कंजेनिटल हाइड्रोसेफलिस हो सकता है नेक्स्ट इज कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर इसे हम सीबीटी बोल सकते हैं अगर बर्थ के बाद 60 डेज के अंदर बेबी में ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसे हम कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे जो कि हाइड्रोसेफलिस को भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट इज इंट्राक्रेनियल हैमरेज हेमरेज का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग होना और अगर ब्रेन पैरन कायमा में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम इंट्राक्रेनियल हैमरेज बोलेंगे नेक्स्ट आर कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस सिनोसिस मतलब एक्विडक्ट की नैरोइंग हो जाती है जो कि सी के फ्लो को ब्लॉक कर देती है जिसके कारण सी एस एफ एबनॉर्मली एकूमुलेट हो जाता है अनदर वन इज डैंडी वॉकर सिंड्रम सिड्रम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसे हम डी डब्ल्यू एस भी बोल सकते हैं इसमें सेरिबेलम नॉर्मली डेवलप नहीं होता उसके कुछ पार्ट्स कभी भी डेवलप नहीं हो पाते जिसके कारण बॉडी के मूवमेंट और बैलेंस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता जो कि सी एस एफ की प्रोडक्शन और एब्जॉर्बन में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है जिसके कारण कंजनेटल हाइड्रोसेफलिस हो जाता है नेक्स्ट आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब के कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि स्पाइना बाइफिडा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती एंड इंसेफिलोसिल जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यूरल ट्यूब अच्छे से क्लोज नहीं होती और ब्रेन की प्रोट्यूजन हो जाती है एक स्किन कवर्ड पाउच की तरह बाहर निकल आता है जिसके कारण सी एस एफ का लेवल इंक्रीज हो जाता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काजेस ऑफ एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलिस द फर्स्ट वन इज इन्फ्लामेशनजाइटिस मतलब मिनंजस की इन्फ्लामेशन हो जाना और इंसेफ्लाइटिस मतलब ब्रेन की इन्फ्लमेशन हो जाना ये दोनों एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलिस का मेजर कॉज हैं नेक्स्ट इस ट्रॉमा बर्थ इंजरी और हेड इंजरी दोनों के कारण हाइड्रोसेफलिस हो सकता है सब आर्किनॉइड हेमरेज ब्रेन और कवरिंग टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होती है अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो तो उसे हम सब आर्कनॉइड बोलते हैं नेक्स्ट वी हैव वेनिस थ्रोम्बोसिस इसका मतलब है वेन्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाना नेक्स्ट इज न्यूप्लाजम्स जैसे कि सबड्यूरल हेमाटोमा और एपसेस ये भी एक्वायर्ड एकड्रोसेफिलिस के मेजर कॉजेस हैं सबड्यूरल हेमाटोमा हेड इंजरी की ही टाइप है और मैंने हेड इंजरी पर अलग से वीडियो बनाई हुई है आप आई बटन पर दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसेफलिस हाइड्रोसेफलिस को टू कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है द फर्स्ट टाइप इज कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस इसके नेम से ही पता चलता है कि इसमें कोई ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी देर इज नो ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ सी एस एफ विद इन ब्रेन हमारे ब्रेन में सी एस एफ के मूवमेंट होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड मूव करता रहता है जब किसी को हाइड्रोसेफलिस हो जाता है उसके ब्रेन में सी एस एफ की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण सी एस एफ का फ्लो भी बढ़ जाता है और अगर उसके पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोई ब्लॉकेज नहीं है सी एस एफ बिना किसी रुकावट के अच्छे से फ्लो करता है उस कंडीशन को हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस बोलते हैं सी एस एफ कैन फ्लो फ्रीली But there is an imbalance between its production and absorption, leading to an accumulation of fluid and increased intracranial pressure. C.S.F. flow तो अच्छे से करता है क्योंकि उसके पाथवे में कोई ब्लॉकेज नहीं होती, पर उसकी production and absorption में imbalance होता है. C.S.F. की production increase हो जाती है, वो normal से ज़्यादा amount में secrete होता है. लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी तो बढ़नी चाहिए सीएसएफ एक्सेस में प्रोड्यूस तो हो रहा है बट उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जिसके कारण सीएसएफ इकट्ठा हो जाएगा और फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा द सेकेंड टाइप इज नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसैफलिस इट इज अ कंडीशन वेर देर इज अ ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ सी एस एफ विद इन द ब्रेन ऑब्सट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस वो होता है जिसमें सी एस एफ अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पाथवे में कोई ब्लॉकेज होती है कोई ऑबस्ट्रक्शन होती है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड की मूवमेंट को रोक देती है द ब्लॉकेज प्रिवेंट्स द फ्लूड फ्रॉम फ्लोइंग प्रॉपरलीडिंग टू एन अकूमेशन ऑफ सी एस एफ एंड इनक्रीज प्रेशर इन द ब्रेन ब्लॉकेज की वजह से सी एस एफ प्रॉपरली फ्लो नहीं करता जिसके कारण उसकी अकूमुलेशन हो जाती है जो कि ब्रेन में प्रेशर को इंक्रीज कर देती है इसलिए हाइड्रोसैफलिस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज रहता है नेक्स्ट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफलिस दीज आर नोजिया वॉमिटिंग इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता सीवियर कोमा पेशेंट कोमा में होता है क्योंकि उसके ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो जाती है अनस्टेडी गेट पेशेंट अब वॉक करता है सही तरह से चल नहीं पाता हेड एक पेशेंट को सिरदर्द होता है सीजर्स ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण मेंटल एक्टिविटी एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी अनकोआर्डिनेट हो जाते हैं जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रॉन्ग अटैक होता है उसकी फिजिकल मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं मतलब उसे दौरे पड़ते हैं और बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता नेक्स्ट इज ड्राउजीनेस पेशेंट सुस्त हो जाता है उसे नींद आने लगती है और वो थका हुआ महसूस करता है लास्ट वन इज ब्लर्ड विजन पेशेंट को हर चीज़ धुंधली दिखने लगती है वह किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाता नेक्स्ट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसैफलिस इन इन द फर्स्ट वन इज बल्जिंग फाउंटेनल्स न्यूबॉर्न बेबी के स्कल पे बहुत सारे सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम फाउंटेनल्स बोलते हैं जब ब्रेन में फ्लूड कमुलेशन हो जाती है और स्कल के अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाता है मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो सॉफ्ट स्पॉट्स बल्ज हो जाते हैं मतलब बाहर की तरफ निकल आते हैं उभर कर दिखते हैं उसे हम बल्जिंग फाउंटेनल्स बोलते हैं सेकेंड वन इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर सी की प्रोडक्शन बढ़ेगी और एब्जॉर्बशन कम होगी तो ब्रेन में फ्लूडलेट हो जाएगा जिसकी वजह से सी एस एफ का फ्लो भी इंक्रीज होगा जो कि फर्दर इंट्रा प्रेशर को इंक्रीज कर देता है The third one is macuven sign. Macuven sign का इस्तेमाल को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है इसमें स्कल की प्रकर्षन की जाती है जिस जगह फ्रंटल टेम्पोरल और पेराइटल बोन्स के जंक्शन होते हैं वहाँ पर जब डॉक्टर प्रकोशन करते समय टैप करते हैं थपथपाते आते हैं तो हमें क्रैक्ड पॉट जैसी साउंड सुनाई देती है और क्रैक्ड पॉट की आवाज़ से हमें पता चलता है कि बेबी को हाइड्रोसेफलिस हुआ है फोर्थ वन इज एक्सट्रीम स्लीपीनेस बेबी को बहुत नींद आती है और वह हर समय सोया रहता है फिफ्थ वन इज हाई पिच क्राई पेशेंट बहुत ऊंची आवाज में रोता है और साथ में चीखता भी है सिक्स वन इज इरिटेबिलिटी बेबी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है सेवेंथ वन इज सनसेट आइज इसे हम सेटिंग सन आइज भी बोल सकते हैं इसमें पेशेंट की आंखें नीचे की तरफ होती हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं प्यूपिल का नीचे वाला हिस्सा लोअर आईलिड से कवर हुआ होता है जो कि सनसेट की अपीयरेंस क्रिएट करता है और ये हाइड्रोसेफिलिस को डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट साइन है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक वेल्युएशन हाइड्रोसेफलिस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं वो हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एम आर आई स्कैन सि स्कैन एक्सरे ऑफ स्कल एंड क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट द फर्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें वाइटल साइंस को असेस करना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करना है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने वाले साइंस को भी असेस करना है साथ में पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है और उसे पोजीशन चेंज करने में भी हेल्प करना है ताकि सी एस एफ ड्रेनेज अच्छे से हो जाए और पेशेंट को किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट ना हो सेकेंड वन इज मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को डायोरेटिक्स दे सकते हैं डायोरेटिक्स सी एस एफ के लेवल को रिड्यूस करने में मदद करती हैं मेडिकल मैनेजमेंट इज अ टेम्पररी रिलीफ बट मेन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल इंटरवेंशंस थर्ड वी हैव सर्जिकल मैनेजमेंट वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट और वीपी शंट इन दिस अ ट्यूब इज प्लेस्ड इन द ब्रेन्स वेंट्रिकल्स टू डाइवर्ट एक्सेस सी एस एफ टू दबडाम वेयर इट कैन बी एब्सॉर्ब वी पी शंटिंग में एक ट्यूब होती है जिसे हम शंट बोलते हैं शंट का जो वेंट्रिकुलर कैथेटर होता है उसे हम ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्लेस करते हैं और जो डिस्टल कैथेटर होता है उसे हम एबडमन में प्लेस करते हैं शंट में एक वॉल्व भी होता है जब शंट को प्लेस कर देते हैं तब वेंट्रिकुलर एंड से सी एस एफ शंट के थ्रू एबडमन में डाइवर्ट हो जाता है और एबडमिन में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज इट इज अ temporary method ऑफ ड्रेनिंग csf from the फ्रॉम द the इन द ब्रेन वेंटिकल्स में से एक्सेस सी एस एफ को बाहर निकालने के लिए ड्रेन करने के लिए ईवीडी का यूज किया जाता है बट ये एक टेम्प्रेरी मैथड है लास्ट वन इज एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुली इन दिस अ स्मॉल होल इज क्रिएटेड इन द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल टू अलाउ सी एस एफ टू द ब्लॉकेज एंड फ्लो फ्रीली एटीवी में थर्ड वेंट्रिकल के नीचे वाले हिस्से में एक होल किया जाता है आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है ताकि सी एस एफ ब्लॉकेज को बाईपास करे और फ्रीली फ्लो कर पाए नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोसाफिल रिकरेंट सीजर्स ब्रेन हारनीएशन विजुअल इम्पेयरमेंट स्पीच इम्पेयरमेंट लर्निंग डिफिकल्टी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलपमेंटल डिले एंड Persistent increased intracranial pressure. So, this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share, and subscribe my channel. Thank you.